उसके अलावा एंट्री टेस्ट में भी उसके 200 में से 170 एमसीक्यूज का ठीक होना, इस बात का भी सबूत था कि यार वो बंदा एफर्ट कर चुका था जो दो तीन माह का सेशन था। इतना आसान नहीं था, एंट्री टेस्ट में दो बार दिए थे उस कॉलेज से और दोनों बार ही बहुत बुरी काम था, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशन करना, उसमें इतना अच्छा परफॉर्म करना बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर। तो उस बंदे से फिर सर ने पूछा अब आपके क्या प्लान है, सर नहीं बल्कि मैडम आती है इधर आती है, उन्होंने पूछा तो उसने कहा कि सर इनको आप जमे से प्रूव करना है, प्रूव करना है और यार 365 दिन है आप ये देखें A to Z 26 लेटर, कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो ए से पता नहीं अगर मैं इधर ए से डिपार्टमेंट लिखो तो 15-20 डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जिनका नाम ए से बनता होगा, 15-20 होंगे जिनका 20 बनता होगा, तो हज़ारों डिपार्टमेंट्स हैं यार। आप लोगों ने लाजमी तो नहीं है कि डॉक्टर बनना इंजीनियर बनना। उस बंदे ने जब कहा कि मैं ट्राई करूँगा, मुझे थोड़ी सी खुशी तो ज़रूर हुई लेकिन दुख ज़रूर हुआ कि यार इस बंदे के पास कोई आकर देखे भी नहीं था। अगर खुदा ना खास कल को एंट्री टेस्ट में देखे मुसलसल जिस तरह से अब इधर हम जब पंजाब का दिन बच्चे उस वक्त थे तीन सेक्शन थे बायो के, तीन थे जब हम थे, पहले पहले एक एक था फिर दो दो हुए, फिर जब हम आए तीन हो गए, हमारे बाद फिर छः हो गए थे। मुसलसल सिर्फ इसी इदारे में इतना रश बढ़ा तो सोचो हमारा पंजाब में कितना बढ़ रहा है, 3400 सीटें सारी। आप कल को वो बंदा एंट्री टेस्ट देने फिर जाता, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो बंदा मेहनती नहीं कमाल का हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन खुदा ना खास्ता एंट्री टेस्ट वाले दिन उसकी तबीयत खराब हो, वन सिचुएशन अच्छा इन्वायरमेंट ऐसा हो कि वो वहाँ तक ना पहुँच गए, नंबर टू सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन ये है कि उसको उस टाइम ऐसा क्लैप्स हो पेपर के अंदर जो वो परफॉर्म ना कर पाए, 170-180 पे फिर रुक जाए, 80 पे रुक जाए, इवन कि इस बार 90 वाले भी स्क्योर नहीं है, 190 वाले ऐसे आप लोगों को पता होगा, 190 वाले चले वो एफर्ट करे, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ऐसा लम्हा नॉर्मल लाइफ के अंदर आ जाता है, एंटी टेस्ट से 2 माह पहले आ जाता है कलम, जिससे बंदा इतना क्लैप्स हो जाता है कि हम कहते हैं कि जिंदगी में ऐसा आया तो उसके बाद उसको तभी एक नंबर हो गया, ऐसे उसके बावजूद भी उस पर टाइम रखें और 190-192 पर जाकर अगले साल हो जाए, लेकिन उसका जो एग्रीगेट बनना 90-192 पर तो बन जाना, लेकिन मेरिट 92 पे मेरे ख्याल में इस बार भी नहीं, 92 कम अज कम रुकना, अगली बार 92 पर नहीं रुकेगा पहले एक सीट में, तो फिर अगले साल वो क्या करेगा यार। देखें 365 दिन बहुत बड़ा होता है, हम अपने आप पता नहीं कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं। उस बंदे ने जब ये कहा ना मैंने इम्प्रूवमेंट बहुत दुख हुआ यार, कहीं और चला जाए क्यों लाजमी इसी फील्ड में ना, अच्छा इम्प्रूव करना तो इम्प्रूव करो, आप अगले साल एंट्री टेस्ट दो, आप जितने भी बैठे हैं प्लीज़ इम्प्रूव मत कीजिएगा, बहुत डिपार्टमेंट्स पड़े हैं बहुत कुछ पड़ा, आपने इम्प्रूव करना तो जब एग्ज़ाम आए उससे 20-30 दिन पहले बुक्स उठा कर रखने टिका के उन पर फोकस करें, नहीं तो जब आपके पास टाइम होता है आपके पास बुक्स होनी चाहिए आप उन बुक्स पर फोकस कीजिएगा, मतलब कि जब आपके पास फारी टाइम हो तो कभी केमिस्ट्री उठा ली कभी फिजिक्स उठा ली कभी बाकी आप जो सब्जेक्ट इम्प्रूव करना चाहें, तो नहीं तो इम्प्रूव की तरह मत जाइए, जब बहुत टाइम होता है आपके पास बहुत दिन होते हैं बहुत कुछ बदलने के लिए होता है। इस वक्त ये जो एज है इस एज में हम खुद भी इस दौर से बोले, हम इधर इसी यूनिफॉर्म में बैठा करते थे, बिलीव भी बंदा काफ़ी तौर पर इमेच्योर होता है, इवन के बंदे को पढ़ने का भी तरीका नहीं आता होता, कितना पता होता है सर ने वोट भर दिया है अगले दिन मैं इसको याद करके आऊँगा, सर ने भर दिया इधर से मैं अगले दिन याद करके लेकिन इस बंदा सही तरह से समझने का तरीका भी बंदे को उस वक्त आता है जब बंदा इन कॉलेज से बाहर मूव करता है, मतलब कि जब बंदा इधर से बाहर करके निकलता है या वही काम एम काम जो ना करके निकलता है उस वक्त बंदे को तरीका आता है कि मैंने पढ़ना कैसे, हमें भी सही तरह से पढ़ने का तरीका ही आया। तो खैर मैं अब आपको छोटी सी अपनी भी स्टोरी सुना देता हूँ।